उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये हमने पेंटिंग बनाई थी अपनी पिछली वीडियो में, जिसे कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर एक होता है रेनल मेडुला, जो जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बनाएंगे। और अब हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, मगर हमें इसे बहुत ही आसानी के साथ बनाना नहीं आता, क्योंकि हम इसे पहली मरतबा बनाने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि इसे मैं वीडियो के अंदर ही बना लेता हूँ, चाहे पहली मरतबा चाहे दूसरी मरतबा। तो अब हम इसे बनाने वाले हैं। तो मैं आपको जो मैं बनाऊंगा इसका नाम भी बताऊंगा कि मैंने क्या बनाया है। और ये बस मुकम्मल होने वाला है। और ये हमने इसे बना लिया है, बस इधर से थोड़ा सारा रह गया है, जो कि इधर से भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये हमने बना लिया है स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। यहाँ से थोड़ा मुझे ज़्यादा कलरफुल करना चाहिए, ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र आए। स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इनके नाम भी लिख देता हूँ, इनके कुछ हिस्सों के। Thank you.
ये है कोलेक्टिंग डक्ट और ये है लोप ऑफ हैनल। यहाँ पे एन नहीं डाला हमने, ऊपर डाल लेते हैं। वैसे इसके बहुत सारे नाम हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे नाम आते हैं, मगर हम इन्हें रहने देते हैं। हमने तो ड्राइंग बनानी थी ना, तो हमने ड्राइंग बना लिया। अब हम इसके अंदर कलर करेंगे। तो पहले रेड कलर, जो कि हम इतनी सी शेप के अंदर करेंगे बस। यहाँ पे रेड कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हमारी ड्राइंग बहुत ख़राब हो चुकी है, मगर फिर भी ठीक है हमारे ख्याल से। और आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर कर देंगे। पेंसिल के साथ भी हम कर सकते थे, मगर हमने कलर के साथ ही किया है। अब हमें लेना है ब्राउन। ब्राउन हमारे सामने है और हम इसे कहीं और ढूंढ रहे हैं। और अब हमें इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ब्राउन कलर करना है। और ये हमने ब्राउन कलर भी कर लिया है और ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये मेरे जो मैंने वीडियो बनाई है, यानी कि ये मैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बनाया है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू, शुक्रिया।